क्लास 11 बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजर्व प्रोविजन हमारा कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट टॉपिक रिजर्व हम करेंगे रिजर्व से क्या समझते हैं बेटा रिजर्व क्या होता है ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है यानी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग से निकाल के अननोन लायबिलिटीज के लिए रखा जाता है क्लियर प्रोविजन क्या था फॉर नॉन लायबिलिटीज बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन बट यहाँ पे क्या है लायबिलिटी भी अननोन है और अमाउंट का तो एग्जैक्ट का पता ही नहीं होता ठीक है यानी अननोन लायबिलिटी फ्यूचर में कोई भी ऐसी लायबिलिटी हो जाए ठीक है जिसको जिसके बारे में बिजनेसमैन के माइंड में भी कुछ भी नहीं है जैसे हम रखते हैं ना जैसे मान लो मैं हूँ या आपके आपके पेरेंट्स हैं तो क्या करते हैं ऐसा तो नहीं है मान लो मुझे सैलरी मिलती है और जाते ही मैं खर्च करना शुरू कर देती हूँ महीने के एंड तक मैं सारे पैसे खर्च कर देती हूँ ऐसा होता है नहीं होता ना तो हम क्या करते हैं कुछ पैसा सेव रखते हैं क्लियर अब जैसे मुझे पता है कि मेरा किचन का खर्चा इतना होता है मेरे बच्चों की फीस इतनी जाती है मेरा दूसरे एक्सपेंडिचर इतने हो गए उनके लिए मैं अपनी सैलरी से अलग से निकाल के रख देती हूँ एक्सपेक्टेड होते हैं वो क्लियर किचन में मान लो 1500 रुपये महीना मेरा लगता है तो मैंने 1500 ये एक्सपेक्टेड है ये 1400 भी हो सकता है ये 1600 भी हो सकता है क्लियर तो इतना मैंने किचन के लिए रखा इतना बच्चों के लिए रखा इतना अदर एक्सपेंसेस मैंने निकाल दिए तो वो क्या हो गया प्रोविजन हो गया कि मुझे पता है ये लायबिलिटी मेरी नॉन है मींस ये एक्सपेंसेस मैंने होने हैं बट एग्जैक्ट अमाउंट एस्टिमेटेड होता है बट लेकिन जो मैं अपनी सैलरी का ऐसा पार्ट जो मैं बैंक में डालती हूँ या मैं अलग से कहीं निकाल के रखती हूँ कि क्या पता कब जरूरत के टाइम काम आ जाए ठीक है तो वो जो सेविंग होती है दैट इज रिजर्व तो बिजनेस में हम क्या बोलेंगे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो किसी भी अननोन लायबिलिटी के लिए अलग से निकाला जाता है कि इन फ्यूचर कोई भी लायबिलिटी आती है तो फर्म इजीली उसे हैंडल कर सके उसे फेस कर सके तो वो क्या कहलाता है रिजर्व कहलाता है ठीक है तो देखिए डिटेल स्टडी रिजर्व मींस अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अदर सरप्लसेस टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज यानी भविष्य की अनिश्चितताओं की वजह से जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको फेस करने के लिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो निकाल लेते हैं इन अदर वर्ड्स अ रिजर्व इज मेंट फॉर मीटिंग एनी अननोन लायबिलिटी और लॉस इन द फ्यूचर जो अज्ञात दायित्व है अननोन लायबिलिटी है या फ्यूचर में कोई भी लॉस हो सकता है तो उसके लिए निकाला जाएगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम पिकर्स रिजर्व मीन्स द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लसेस विच आर नॉट अर्मार्क्ड इन एनी वे टू मीट एनी पर्टिकुलर लायबिलिटी मीन्स जो किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए नहीं निकाला जाता है वो किसी कोई भी फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी आए तो उसको इजीली फेस कर सके नॉन टू एग्जिस्ट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट क्लियर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं बेटा रिजर्व के फर्स्ट इज जनरल रिजर्व मीन्स सामान्य संचय जो किसी भी लायबिलिटी को फेस करने के लिए यूज किया जा सकता है कैपिटल रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट किया जाता है मीन्स जो पूंजीगत लाभ होता है यानी कैपिटल गुड्स से जो प्रॉफिट आता है वो उसे हम कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं सेकेंड चैप्टर में आपने किया होगा रेवेन्यू और कैपिटल दो टाइप का प्रॉफिट होता है क्लियर कैपिटल नेचर का जो कैपिटल गुड्स से हमें मिलता है तो कैपिटल प्रॉफिट से हम क्या जनरेट करते हैं कैपिटल रिजर्व जनरेट करते हैं क्लियर ये कैपिटल लॉस को कंपनसेट करने के काम आता है कोई पूंजीगत हानि हो जाती है तो उसको यहाँ से कंपनसेट करते हैं नेक्स्ट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बेटा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ये स्पेसिफिक रिजर्व है स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब होता है जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है क्लियर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का मतलब क्या है लाभांश समानीकरण संचय लाभांश क्या होता है बेटा जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के या जो पार्टनर होते हैं उन्हें क्या मिलता है वो पूंजी लगाते हैं बिजनेस में तो उन्हें क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है उसके बदले में डिविडेंड लाभांश होता है मीन्स लाभ का कुछ अंश उन्हें मिलता है क्लियर अब देखिए मान लो एक साल डिविडेंड नहीं दे पाई फर्म को लॉस हो गया या फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो ऐसे केस में फर्म क्या करती है मान लो पिछले कई सालों से फर्म 10% की रेट से डिविडेंड देती आ रही थी क्लियर और इस साल अगर फर्म डिविडेंड पे नहीं करेगी तो क्या इफेक्ट होगा उसकी गुडविल इफेक्ट होगी फर्म की रेपुटेशन डाउन होती है ना कि इस बार तो लॉस हो गया है फर्म अपना डिविडेंड भी कंप्लीट नहीं कर पा रही है ठीक है तो फर्म उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए क्या बनाती है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाती है ठीक
क्लियर, ताकि इन फ्यूचर कभी कोई ऐसा लॉस आता है कि फर्म अपने डिविडेंड्स को कंप्लीट नहीं कर पाती है तो वो वहां से पैसा यूज करके डिविडेंड की जो रेट है उसे वहीं तक बनाए रख सकती है। क्लियर, तो वो कौन सा रिजर्व होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट की मेक के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में। अब कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लो मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, क्लियर, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपग्रेड होती है, बढ़ जाती है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन जाती है तो वो लॉस हो गया, तो उस लॉस को कहाँ से कंपनसेट किया जाएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से वो कंपनसेट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट है वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड बेटा क्या होता है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति फंड जिसे हम बोलेंगे, कॉश जिसको बोलते हैं। इसका मतलब है जैसे वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, मान लो इन फ्यूचर वर्कर्स को काम करते कोई ट्रेजडी हो जाती है, मीन्स कोई दुर्घटना होगी, कोई एक्सीडेंट हो गया और किसी वर्कर को एक्सीडेंट में कोई लॉस हो गया, क्लियर, तो वर्कर ने क्लेम किया है तो उस क्लेम को कहाँ से पूरा किया जाएगा? एम्प्लॉयज ये वर्कर्स वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड से, वहां से पैसा लिया जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स ऋण पत्र होते हैं, ठीक है, जैसे कंपनी डेट लेती है, ऋण लेती है, तो उसके बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती है और उस सर्टिफिकेट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, क्लियर, उनकी पेमेंट का तरीका क्या रहेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लिखी होती है, क्लियर। तो डिवेंचर्स को मान लो 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स फर्म ने इशू किए हैं और आफ्टर 5 ईयर्स उनकी पेमेंट करनी है, तो क्या 5 साल के बाद फर्म के पास एकदम से इतना फंड अवेलेबल हो सकता है कि वो इजीली उनकी पेमेंट कर सके? तो उसके लिए वो क्या करती है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करती है और हर साल 25% जो फेस वैल्यू होती है डिवेंचर्स की उसके 25% के बराबर वो DRR बनाती है, ठीक है, ताकि जब पेमेंट करनी है तो वहां से वो फंड को लेके और इजीली उनकी पेमेंट की जा सके। क्लियर, तो बेटे ये कुछ एग्जांपल्स थे रिजर्व के कि रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रिएट किया जाता है और इसे P&L अकाउंट में, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, P&L अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाता, लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है और उससे डिविजिबल प्रॉफिट जो है यानी जो बांटने योग्य लाभ होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्लियर, तो ये आपका रिजर्व था।